सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने वाले हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स की यूआईडी 2022। और गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा 2017 का लोकेश गेमर वर्सेस 2022 का लोकेश गेमर। गाइस क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि आखिरकार 2017 में लोकेश गेमर कैसा होगा? क्या वो उस टाइम में भी फ्री फायर का डायमंड किंग था? और क्या वो उस टाइम में भी लाखों बैजेस खरीदता था? और सबसे मेन चीज, उस टाइम पे उसका गेम प्ले कैसा था? गाइस अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो आप लोग आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्री फायर के पुराने प्लेयर्स की आईडी को सर्च करके देखेंगे, जो कि 4 साल पहले किसी फेमस यूट्यूबर के लाइव स्ट्रीम में आए थे, या तो उनके टीममेट बन गए फिर उनके एनिमी बन गए। तो उन बंदों की हम लोग यूआईडी सर्च करके देखेंगे, क्या वो बंदे अभी तक फ्री फायर को खेलते हैं? और अगर हाँ, तो क्या उनके पास रेड क्रिमिनल बंडल, हिप हॉप बंडल, सकुरा बंडल या फिर कोई रेयर बंडल है, या फिर उन लोगों ने फ्री फायर को बस मजे के लिए डाउनलोड करा था और 2-4 दिन खेलने के बाद डिलीट कर दिया? गाइस आज की वीडियो और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जब मैं ऐसी बंदों की आईडी सर्च कर रहा था, उसके अंदर मुझे एक यूट्यूबर की आईडी मिली है जिसके अभी यूट्यूब पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके आईडी के अंदर वी बैच भी है। तो गाइस क्या आप लोग गेस कर सकते हो आखिरकार वो कौन हो सकता है? और अगर आप लोग गेस नहीं भी कर पा रहे हो तो गाइस टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंदर तुम आपको दिखाने वाला। तो चलो फिर अपने इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उससे पहले अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो या फिर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्लिप नंबर 1 के साथ। तो गाइस ये क्लिप को आप लोग देख सकते हो, काफी पुराना क्लिप है, इसके अंदर रायस्टार खेल रहा है, लेकिन पीछे की तरफ में एक बंदा था जिसने उस टाइम पे रायस्टार को मारा था। ऐसे अभी तो शायद इस बंदे को याद भी नहीं होगा किसी टाइम पे इस बंदे ने रायस्टार को मारा था। तो चलो फिर आप लोग आईडी को अच्छे से देख लो, क्योंकि अभी हम लोग इस आईडी को सर्च करने वाले हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया, और यार ये क्या, ये बंदा फ्री फायर में 3 टाइम्स ऑफलाइन क्यों है? जब इस आईडी को मैंने पहली बार देखा था तब मुझे लगा था शायद इस बंदे ने फ्री फायर को लीव कर दिया, लेकिन एक बार आप लोग इस बंदे के गिल्ड का नाम देखो, वो है सौरव नेपाल, मतलब ये बंदा शायद नेपाल से होगा। और इस बंदे की आईडी का सर्वर चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमारे इंडियन सर्वर में ऑफलाइन दिखा रहा है, लेकिन शायद ये बंदा गेम को अभी भी खेलता होगा और गेम में एकदम एक्टिव होगा। एनीवेज बात करें अगर हम लोग आईडी की, तो आईडी को आप लोग देख सकते हो 76 लेवल था, जो कि काफी बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पर मिस्ट्री शॉप वाले हेयर्स थे, आरटी ब्लू बंडल का मास्क था, ये ब्लैक शेड वाला बंडल और ब्लू एंजेलिक में। और अगर बैचेस को भी हम लोग देखें तो यार बैचेस भी एकदम नॉर्मल था, और इसको देखकर तो यही लग रहा है ये बंदा फ्री फायर में एक्टिव होगा। एनीवेज आप लोग बताना गाइस आपको इस बंदे की आईडी कैसे लगी, और अभी हम लोग बढ़ते हमारी नेक्स्ट आईडी की। तो गाइस सेकंड क्लिप को आप लोग देख सकते हो, ये वही बंदा है जिसकी आईडी अभी मैंने आपको दिखाई थी, और इस बंदे का एक और टीममेट भी था जिसने उस टाइम पे ज्ञान गेमिंग को मारा था, और इस बंदे के पास सीजन 5 का एलीट पास भी था और आईडी भी काफी बढ़िया था। इस बंदे की आईडी सर्च करनी तो बनती है, तो चलो फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से गेम के अंदर और इस बंदे की आईडी को सर्च कर लेते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो इस बंदे की आईडी को मैंने सर्च कर दिया, और यार ये बंदा भी फ्री फायर में बहुत टाइम्स ऑफलाइन, और इस बंदे की आईडी का सर्वर चेंज भी नहीं हुआ है, इसका मतलब इस बंदे ने फ्री फायर को खुद से लीव करा। अब आगे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग आईडी ओपन करके देखते हैं क्या कर रहा है, इसने फ्री फायर को लीव कब करा था। तो जैसे इस बंदे की आईडी में ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 72, और इस बंदे की बैजेस देखकर लग रहा है इसने फ्री फायर को 2 साल पहले ही लीव कर दिया। इस बंदे पास एशियन स्कार्फ और सीजन 7 का कैप है, मतलब इस बंदे ने सीजन 4 से लेकर काफी सारे लाइट पास लिए, मतलब इसका कलेक्शन भाई बहुत ज्यादा रेयर होगा, लेकिन इसके बाद भी इस बंदे ने फ्री फायर को लीव कर दिया। और आप लोग देख सकते हो बंदे ने जब फ्री फायर को लीव करा तो भाई उससे पहले भी कितने सारे लाइट पास लिए थे। एनीवेज आप लोग बताना गाइस आपको ये आईडी कैसे लगी, और अभी हम लोग बढ़ते हमारी नेक्स्ट आईडी की। तो गाइस इस बंदे का एक और टीममेट भी था जिसका नाम था डार्की, और उसके पास भी सीजन 5 का एलीट पास था। तो चलो फिर ये बंदा लास्ट बचा है, तो हम लोग इसकी आईडी को भी सर्च कर लेते हैं। तो जैसे इस बंदे में सर्च करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा ये आईडी हमारी वीडियो की 3री आईडी है, और भाई ये आईडी भी 30 दिन से भी ज्यादा से ऑफलाइन है, मतलब आज तक मैं जितनी भी आईडी सर्च कर रहा हूं भाई सभी आईडी ऑफलाइन निकल रही है। एनीवेज आईडी को हम लोग ओपन करके देखते हैं क्या करगा इस बंदे की आईडी ऑफलाइन कब हुई थी। तो जैसे इस बंदे में ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 76, जो कि काफी बढ़िया है। और इस बंदे की बैजेस आप लोग देख सकते हो, ये बंदा फ्री फायर में लगभग 5 महीने से ऑफलाइन है, तो शायद ये बंदा भी नेपाल से होगा, और इसकी आईडी का भी सर्वर शायद चेंज हो गया होगा। तो बात करें अगर हम लोग इस बंदे की ड्रेस की, तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो इसके पास ज़ॉम्बी समुराई बंडल, उसके बाद में जर्सी और गन स्किन में टॉप वाली इंक्यूबेटर की MP40, एंड ओवरऑल देखा जाए तो यार आईडी काफी ओपी है। तो चलो ये आईडी तो आप लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो ज्ञान भाई की हेल्थ यहां पर बहुत डाउन थी, इन्होंने यहां पर एक बंदे को तो नॉक कर दिया, लेकिन सामने एक और बंदा था जिसको ज्ञान भाई मारने वाले थे, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ एक गोली मारी और ज्ञान भाई की हेल्थ बहुत डाउन थी, जिससे से एक गोली के अंदर मर गए। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं यहां पर हमें किस बंदे की आईडी मिलने वाली है। गाइस आप लोग देख सकते हो यहां पर हमें मिली एक बंदे की आईडी जिसका नाम था सिद्धार्थ, और उस बंदे पास सीजन 4 का एलीट पास था, और बंदे का लेवल भी काफी बढ़िया था। तो चलो फिर हम लोग इस बंदे की आईडी को जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, चलते गेम के अंदर। गाइस आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया, और यार ये बंदा भी ऑफलाइन निकला, लगता है यार आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनकर रहेगा मोस्ट ऑफलाइन प्लेयर्स इन 1 वीडियो का। तो चलो फिर हम लोग इस बंदे की आईडी ओपन करके देखते हैं क्या इस आईडी में कुछ खास होगा। पुराने क्लिप के अंदर तो इस बंदे पास सीजन 4 था, लेकिन देखते हैं इस बंदे पास कोई और पुराना एलीट पास होगा। तो जैसे इस बंदे की आईडी में ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 67, जो कि थोड़ा सा कम है, लेकिन बात कर अगर हम लोग ड्रेस की तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का ये जो इंक्यूबेटर वाला बंडल है ये थोड़ा सा रेयर तो है, लेकिन जो इस बंदे का जैकेट है वो सीजन 1 के एलीट पास का है, जो कि सबसे रेयर एलीट पास है। और एक बार आप लोग इस बंदे की आईडी देखो, आप लोग देख सकते हो ये बंदा कितने ढेर सारे एलीट पास ले रहा, लेकिन पता नहीं क्यों इस बंदे ने फ्री फायर को एकदम से लीव कर दिया। तो आप लोग बताना गाइस आपको इस बंदे की आईडी कैसे लगी, और अभी हम लोग बढ़ते हमारी नेक्स्ट आईडी की। तो नेक्स्ट क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो ज्ञान भाई सामने की तरफ में जा रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था सामने की तरफ में 2 बंदे और। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो ज्ञान भाई के साथ साथ यहाँ पर रायस्टार भी था, लेकिन सामने की तरफ में जो बंदे थे लगता है वो उस टाइम पे कुछ ज्यादा अच्छे खेलते थे, क्योंकि उन 2 बंदों ने रायस्टार, ज्ञान
में और उनके टीममेट को मार दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनकी स्क्वाड के जितने भी बंदे थे वो यहाँ पर ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं। और हमें मिल चुकी यहाँ पर एक बंदे की आईडी जिसका नाम था अरुण, जिसने उस टाइम पे सीजन 5 का एलीट पास ले रखा था। इस टाइम पे इस बंदे ने ज्ञान गेमिंग को मारा था, तो इस बंदे की आईडी सर्च करनी तो बनती है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, जैसे इस बंदे की आईडी में सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये बंदा आज हमारी वीडियो का पहला ऐसा प्लेयर है जो कि फ्री फायर में ऑफलाइन नहीं है, वरना तो जितने भी प्लेयर्स आ रहे थे सभी एकदम ऑफलाइन निकल रहे थे। एनीवेज बात कर लेकर हम लोग इस बंदे की आईडी की, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का लेवल हो चुका है 79, जो कि यार काफी बढ़िया है। और एक बार आप लोग इस बंदे की ड्रेस को देखो तो गाइस यहाँ पर इस बंदे पास हिप हॉप बंडल, उसके साथ में समुराई बंडल, और बंदे पास सीजन 3 के एलीट पास का एविटर भी है। मतलब इस बंदे ने सीजन 2 से लेकर काफी सारे पुराने एलीट पास परचेस करे, और बंदे की रैंक और बैजेस वगैरह देखकर तो लग रहा है ये बंदा फ्री फायर में एक्टिव होगा, क्योंकि ये बंदा सारे सीजन में एलीट पास परचेस कर रहे हैं, बैजेस भी पूरे कंप्लीट कर रहे हैं। और बात कर लेगा इस बंदे की गिल्ड की, तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये बंदा बॉस गिल्ड में। तो आप लोग बताना गाइस आपको इस बंदे की आईडी कैसे लगी, और अभी हम लोग बढ़ते हमारी नेक्स्ट आईडी की ओर। तो गाइस नेक्स्ट क्लिप आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ज्ञान भैया, उनके साथ में जो बंदा है वो है रायस्टार। तो शायद यहाँ पर 2v4 खेल रहे थे, तो गाइस आप लोग देख सकते हो रायस्टार सामने की तरफ में जाता है और उसको तो एक बंदा मार देता है, लेकिन जैसे ज्ञान भाई जाते हैं तो वहाँ पर वो एक बंदे को नॉक कर देते हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है जिसने रायस्टार को भी मारा था उसने ज्ञान गेमिंग को भी एलिमिनेट कर दिया। तो चलो फिर हम लोग इस बंदे की आईडी जल्दी सर्च करके देखते हैं कि आखिरकार जिस बंदे ने 2017 में ज्ञान गेमिंग और रायस्टार को मारा था वो अभी के टाइम में कैसा होगा। गाइस आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया और ये बंदा फ्री फायर में भी कुछ टाइम पहले ऑनलाइन भी था। तो चलो फिर हम लोग आईडी को ओपन करके देखते हैं कि आखिरकार इस बंदे की आईडी में क्या क्या होगा। तो जैसे इस बंदे की आईडी में ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 80, जो कि बहुत बढ़िया है। और बात करें अगर हम लोग ड्रेस की, तो गाइस यहां पर आपको दिख ही रहा होगा इस बंदे के पास ब्लू क्रिमिनल बंडल है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बंदे की आईडी में इससे भी ज्यादा रेयर बंडल्स हैं, जैसे कि सीजन 1 और सीजन 2, लेकिन अभी इस बंदे ने उसको लगा नहीं रखा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार की आईडी काफी ओपी आईडी है। तो आप लोग बताना गाइस आपको इस बंदे की आईडी कैसे लगी, और अभी हम लोग बढ़ते हमारी नेक्स्ट आईडी की। तो गाइस जो बंदा था इसके और टीममेट्स भी थे, तो चलो हम लोग उनकी आईडी भी सर्च करके देखते हैं। तो गाइस यहां पर इनका जो सबसे पहला टीममेट है उसका लेवल है 55 और उसके पास सीजन 5 का एलीट पास भी है। तो चलो फिर हम लोग इस आईडी को जल्दी से सर्च कर लेते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया और आईडी के अंदर वी बैज है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से बोला था मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर की आईडी दिखाऊंगा जिसके यूट्यूब पे 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और उसके पास वी बैज। गाइस स्टार्टिंग में मैं इस आईडी की बात कर रहा था, तो यहां पर आप लोग आईडी को देख सकते हो आईडी 30 दिन से ऑफलाइन है, क्योंकि नेपाल सर्वर से है जिसकी वजह से इनकी आईडी जो होती है बांग्लादेश सर्वर में ट्रांसफर हो गई। तो जैसे इस आईडी को मैं ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा इनका लेवल हो चुका है 81, जो कि यार काफी बढ़िया है और शायद इस वीडियो का हाईएस्ट भी है। और ड्रेस के अंदर अभी तो इन्होंने कुछ खास पहना नहीं रखा है, लेकिन इनकी आईडी के अंदर सीजन 1 का एलीट पास भी है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो यार ये आईडी भी काफी ओपी आईडी है। तो गाइस अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आईडी आपको कैसे लगी, क्योंकि अभी हम लोग बात करने वाले उस बंदे की जिसका आप लोग स्टार्टिंग से वेट कर रहे हो। गाइस मैं बात कर रहा हूं लोकेश कुमार की। तो चलो फिर मैं आपको उसका पुराना गेम प्ले दिखाता हूं और गेम प्ले के अंदर वॉइस भी है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। मुझे कौन सा गन लेना चाहिए, स्कार अच्छा है या अब फेमस अच्छा है? मेरे ख्याल से फेमस अच्छा है गाइस, आप सोच सकते हैं फेमस अच्छा चलता है, फेमस मुझे बेस्ट दिखता है। कौन सा रीजन, फेमस देख लो, फेमस अच्छा रहेगा गाइस। वो क्या करता है रे तेरी तो। तो गाइस आप लोगों ने देखा ये था लोकेश कुमार का पुराना वॉइस और उसका पुराना गेम प्ले। और मैं आपको बता दूं उस टाइम पे लोकेश कुमार डायमंड तो खरीदता था, लेकिन इतने ज्यादा नहीं खरीदता था। और ये जो मैं आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ ये शायद आप में से किसी बंदे ने कभी देखा होगा, क्योंकि ये गेम प्ले लोकेश कुमार के चैनल पे भी नहीं है। तो चलो फिर हम लोगों ने लोकेश कुमार का पुराना गेम प्ले तो देख लिया, एक बार हम लोग उसकी आईडी को भी देख लेते हैं। और आप लोग देख सकते हो लोकेश कुमार की आईडी में ना एक यूनिक सी चीज है, अगर हम लोग लोकेश कुमार 7 सर्च करते हैं तब भी उसकी आईडी आ जाती है, और उसके अलावा किसी और की आईडी आती ही नहीं है। एनीवेज बात कर लेकर हम लोग आईडी की, तो गाइस आप लोग देख सकते हो आईडी के अंदर लेवल है 64 और लाइक्स है 8000, जो कि थोड़ा सा कम है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, लोकेश कुमार की आईडी के अंदर पहले वी बैज था लेकिन अभी नहीं है। इसके अलावा बैजेस वगैरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आईडी के अंदर हजारों लाखों में बैजेस हैं, क्योंकि लोकेश कुमार के लिए तो एकदम नॉर्मल सा है, क्योंकि ये बंदा इतने बैजेस खरीदता है। और ड्रेस भी देख सकते हो यहाँ पर लोकेश कुमार का परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको लोकेश कुमार की आईडी और उसका पुराना गेम प्ले कैसा लगा। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।